हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कोरोना वायरस की एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ आपका स्वागत है। जैसे जैसे ये कोरोना वायरस भारत में बढ़ता जा रहा है, तो ये भारत के लोगों की सरदर्दी का कारण बनता जा रहा है, जिससे हमारे भारत के नागरिक बहुत चिंता में हैं। दिन पे दिन कोई ना कोई अपडेट मिलती रहती है और अब तक के 50 मामले सामने आ गए हैं कोरोना वायरस के। तो आजकल सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि क्या गर्मी से कोरोना वायरस ख़त्म हो सकता है। जैसे कि ये न्यूज़ फैलती जा रही है कि गर्मियों के आने से एक जो कोरोना वायरस है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो इसी टॉपिक पे बेस्ड आज की वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। और दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बात करते हैं कि कोरोना वायरस गर्मी में ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर बाकी वायरसेस की बात करें तो जनरली फ्लू वायरसेस और जो बाकी वायरसेस होते हैं वो ज़्यादा गर्मी पर अपने आप मर जाते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस फ्लू वायरस कैटेगरी का वायरस है, तो गर्मियों में इसके 70% चांसेस हैं ख़त्म होने के। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि गर्मियों में जो कोरोना वायरस है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा या कुछ लिमिट तक ख़त्म होगा। जनरली जो फ्लू वायरस होते हैं वो 27 से 35 टेम्परेचर पर मर जाते हैं। तो अगर यहाँ पर कोरोना वायरस के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसके ख़त्म होने के चांसेस लगते हैं। तो अभी चूंकि मौसम में बदलाव चल रहा है, तो इस मौसम में और भी ज़्यादा बीमारियों के चांसेस लगते हैं और भी ज़्यादा बीमारियों का होने का खतरा हो सकता है। और जो कोरोना वायरस है अभी इस समय देखा जाए तो बढ़ने के कगार पर है। तो दोस्तों, ऐसे में हमें ज़रूरत होगी कि इस भयंकर बीमारी से कैसे निपटे। और चूंकि अभी का ही जो मौसम है ऐसा मौसम नहीं है कि कोरोना वायरस का जो इफेक्ट है वो कम हो पाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गर्मी से नॉर्मली वायरसेस मरते हैं, हमें न्यूज़ ये है भी है कि जो वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन रखें, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पिए और हो सके तो कोशिश यह करें कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्म जगह पर रहें और ठंडी जगह पर रहना अवॉइड करें, और हो सके तो अपने जो रूम का टेम्परेचर है वो 30 डिग्री से अबव रखें। क्योंकि अभी का जो मौसम है इतना गर्म नहीं है, तो हमें अपनी बॉडी को खुद से वार्म अप रखना चाहिए, जिससे कि हम इस वायरस की चपेट में ना आएं। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि आप किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें अगर आप हैंड वॉश कर रहे हैं तो, और जब आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क का यूज़ करें और आप गर्म पानी पिएं अगर आप कुछ हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं तो, और अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो साफ़ सफाई रखें। तो दोस्तों, अभी ये कहना बिल्कुल मुश्किल है कि जो कोरोना वायरस का असर है गर्मियों में 100% ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि गर्मी में कोरोना वायरस का असर कुछ हद तक कम हो सकता है। तो दोस्तों, जब तक मौसम का जो टेम्परेचर है 25 से 30 डिग्री नहीं हो जाएगा, तब तक आपको अपना ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आने वाले एक महीने में आपको अपना अच्छे तरह से ध्यान रखना है, एक्सरसाइज करनी है, अच्छा खान पान करना है, अपने चारों ओर साफ सफाई रखनी है। तो दोस्तों, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिए। नेगेटिव सोचोगे तो आपको अगर थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम हो जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं आपके अंदर कोरोना वायरस के सिम्टम्स तो नहीं आ गए हैं, और आप कहीं ना कहीं इस ऐसा सोचने से बीमार भी हो सकते हैं। दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेरे चैनल से रिलेटेड कोरोना वायरस से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी और आप डेली अपडेटेड होते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो भी कोरोना वायरस की इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेरे चैनल पर, और कोरोना वायरस से रिलेटेड न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी डेली। और दोस्तों, अगर आप कोरोना वायरस के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। इन सभी के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दिए हैं, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो दोस्तों, मिलते हैं कोरोना वायरस के एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।